नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंजू और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रोजगार। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी अभी कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत एक या एक परिवार की दो बेटियों को 2,23,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। जो बेटी की शिक्षा से लेकर शादी तक 5 किस्तों में रकम आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। इस योजना का लाभ सभी निम्न और मध्य वर्ग के लोग ले सकते हैं। तो चलिए, इस वीडियो में आज हम बात करते हैं कि इस योजना के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किस तरह सरकार आपके, अगर आपके एक या दो बेटियां हैं तो क्या क्या शर्तें होंगी, क्या क्या इसमें नियम लागू होंगे, किस तरह आप इस योजना का लाभ पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम नियमों की बात करें तो यहाँ पर एक परिवार में जिसकी दो बेटियाँ हैं वही लाभ ले सकते हैं। अगर तीसरी बेटी जुड़वा है तो आप उसमें भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जिस परिवार की आय 3 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से कम है वहीं इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 3 लाख रुपए से आय वाले परिवारों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो आवेदनकर्ता के पास बेटी का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा कन्या सुमंगला योजना के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य होगा। इस योजना की पूरी जानकारी आप पंचायत या ब्लॉक ऑफिस से जाकर ले सकते हैं। सरकार ने इस योजना का काम शुरू कर दिया है दोस्तों, आवेदन इसके 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आवेदन कैसे करना है उस पर भी एक वीडियो हम बनाएं तो हमें नीचे कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। तो आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया हम अगले वीडियो में आपको 1 अप्रैल को दिखा देंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं आपको 2,23,000 रुपये 5 किस्तों में किस तरह आपके बैंक अकाउंट में सीधे प्राप्त होंगे। दोस्तों, योगी सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में आपको पहली किस्त बेटी की 6ठी कक्षा में पहुंचने पर 3,000 के रूप में आपको आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। इसके बाद में बेटी 8वीं कक्षा में पहुँचने के बाद दूसरी किस्त 5,000 के रूप में आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। और इसके बाद में बेटी की 10वीं कक्षा में पहुंचने के बाद में तीसरी किस्त 7,000 के रूप में आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी। और इसके बाद में बेटी की 12वीं कक्षा में पहुंचने के बाद चौथी किस्त 8,000 के रूप में आपके बैंक अकाउंट में सीधे भेज दी जाएगी। दोस्तों, इसके बाद में बेटी 21 साल की होने पर उसे 2 लाख रुपये नकद भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह आपकी बेटी कि 6ठी कक्षा से लेकर आपकी बेटी 21 साल की होने तक आपको 5 किस्तों में ये 2,23,000 की रकम आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। दोस्तों, इसके अलावा इस योजना के बारे में आपका कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। और इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना है वो वीडियो आपको 2 अप्रैल या 3 अप्रैल को मिल जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाए।